आंगनबाड़ी केंद्र को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में तब्दील कर दिया गया। यह प्री नर्सरी स्कूल निजी प्ले स्कूल को कड़ी टक्कर दे रहा है। बच्चों के पढ़ने लिखने, खेलने कूदने के अलावा यहां उनके मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया है। स्कूल में तब्दील हुआ आंगनबाड़ी केंद्र, निजी प्ले स्कूलों को दे रहा टक्कर, पोषाहार के साथ दी जा रही शिक्षा, बच्चों के खेलने कूदने और खेलते खेलते पढ़ने की यह तस्वीर किसी निजी प्ले स्कूल की नहीं बल्कि ये तस्वीर उस आंगनबाड़ी केंद्र की है जहां बच्चों को पोषाहार के साथ ही शिक्षा भी दी जा रही है। ये तस्वीर कोडरमा जिले के लोचनपुर आंगनबाड़ी केंद्र की है जिसे प्री नर्सरी स्कूल के रूप में तब्दील किया गया है जो निजी प्ले स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहा है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम हुआ, जो प्ले स्कूल में इंतजाम होता था उससे बढ़कर आंगनबाड़ी में हुआ, जिससे गांव के बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया। उसके शिक्षा के लिए यहां तो पोषण मिलता है, पोषाहार खाने के लिए खिचड़ी, खेलने के लिए कार मिला है जो जिसमें गाना बजता है, झूला है। जिले के पहले मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में वो तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं जो किसी भी निजी प्ले स्कूल में होती है। बच्चों के पढ़ने लिखने खेलने कूदने के अलावा यहाँ उनके मनोरंजन के भी इंतजाम किए गए हैं। ये लोचनपुर को मॉडल बनाया गया है। यहाँ हमारा मकसद है बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी देना। बच्चे तो पहले भी आते थे लेकिन उनका मतलब अच्छा से विकास नहीं कर पाते थे हम लोग, अब है कि अच्छा से हम लोग पढ़ा पा रहे हैं उनको। इस आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर से लेकर बाहर तक की दीवारों पर बच्चों की जानकारी के लिए तस्वीरें उकेरी गई हैं जो बच्चों के साथ ही अभिभावकों को भी लुभा रही। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए पढ़ाने के लिए यहाँ पर नाम लिखाने आए हैं। क्या क्या देखे यहाँ पर? बहुत सारा देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या क्या सब चीज व्यवस्था है? बच्चा के लिए पढ़ने की व्यवस्था है, खेलने की व्यवस्था है, झूला झूलने की व्यवस्था है, खाना पीना के सब चीज की व्यवस्था है। जिला प्रशासन का मकसद सिर्फ भवन का जीर्णोद्धार करना नहीं है बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की है। एक छोटा सा प्रयास करके लोचनपुर को पहला मॉडल आंगनबाड़ी बनाने का कोशिश किए हैं। ज्यादातर कोशिश उसमें जो है थोड़ा सा मैं बस आकर्षित करना चाहूंगा ध्यान इस ओर कि यह सिर्फ बिल्डिंग का जीर्णोद्धार न समझा जाए। बेसिकली हम लोग उसको न्यूट्री एडुकेशन सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं जहाँ पोषण और शिक्षा दोनों बराबर रूप से बच्चों को मिल सके। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की रूपरेखा को बदला जा रहा है जिसकी शुरुआत कोडरमा में हो चुकी है जो निश्चित तौर पर पहले सिर्फ निजी प्ले स्कूलों में ही हुआ करती थी। गजेंद्र, जी मीडिया, कोडरमा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो